अब आपके शहर गुना में असम के बागानों से चुनी हुई उम्दा चाय उपलब्ध है। मनन प्रीमियम चाय हर घूंट में असर दिखाए। थोक एवं फुटकर विक्रेता एवं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें। गुप्ता मार्केटिंग कंपनी, हनुमान कॉलोनी, मोती चिल्ड्रन स्कूल के पास, गुना, मध्य प्रदेश। गुना में कहीं भी होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। प्रोपराइटर सलोनी गुप्ता। मोबाइल नंबर है 7355156758, 6264739364। तिरंगा अभियान के अंतर्गत साइकिल रैली आयोजन के संबंध में अपर कलेक्टर आदित्य सिंह कलेक्टर सभागार में पत्रकार और अधिकारियों की हुई बैठक। कल सुबह झंडा यात्रा गुना से होते हुए केदारनाथ पहुंचेगी। क्या तैयारी की जा रही है कल, क्या साइकिलोथॉन? ये हर घर तिरंगा अभियान और अंकुर अभियान और आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोगों ने तीनों को एक जोड़ते हुए जन अभियान के माध्यम से कलेक्टर सर और एस पी सर के नेतृत्व में हम लोगों ने कल एक साइकिल रैली का आयोजन किया है, जो कि कलेक्ट्रेट से सुबह 6 बजे हम इसको फ्लैग ऑफ करेंगे और हम केदारनाथ तक इसको लेके जाएंगे। केदारनाथ में हमारा प्लांटेशन रहेगा और वहाँ से फिर हम लोग प्लांटेशन के उपरांत वापस आएंगे। बीच में हम लोगों ने उमरी में और जगदेवपुर में जो स्कूल है हमारे, उसमें हम लोगों ने ग्लूकोज और पानी का और हमारे फल फूल का और मेडिकल की टीम्स को भी रखा है, ताकि बीच पॉइंट में भी किसी को कोई इशू आता है तो वो वहाँ पे हम लोग उसके हिसाब से उसको करेंगे। और सबसे यही अपील है कि आप लोग सभी लोग इसमें बड़ी से बड़ी संख्या में आएँ और इसको एक और अच्छे अभियान का रूप दें। म्याना थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मनख्याई में आज अज्ञात चोरों ने गांव में 2 जगह चोरी को अंजाम दिया, जिसमें मनख्याई निवासी शिवराज सिंह रघुवंशी ने थाने में आकर एक आवेदन दिया, जिसके अनुसार चोरों ने घर के पीछे दीवार में होल कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। शिवराज रघुवंशी के आवेदन में 50,000 नकदी और 3 सोने की अंगूठी चोरी होना बताया है। आवेदन प्राप्त होने पर पुलिस के द्वारा आगे की कार्यवाही शुरू की है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र बमोरी के गांव मुरादपुर में हैजा फैलने की खबर सुर्खियों में है, जिसको लेकर ग्रामीण खासी परेशान भी है। आलम यह है कि स्वास्थ्य केंद्र ना खुल पाने के कारण मरीजों को गुना इलाज के लिए लेकर आना पड़ता है। जिला मुख्यालय से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर बमोरी विधानसभा क्षेत्र के गांव मुरादपुर में इन दिनों उल्टी दस्त से बच्चियों बुजुर्ग काफी परेशान है। पिछले 3 दिनों में तकरीबन 5 लोग गंभीर स्थिति में हैं। इलाज के लिए गुना लाए गए, दुर्दशा ऐसी है कि गांव तक पहुंचने के लिए कोई पक्का मार्ग नहीं है, जिसके चलते मरीजों को खटिया पर लेटाकर पैदल 3 किलोमीटर लाया जाता है, तब कहीं पक्की सड़क ग्रामीणों को नसीब होती है। आज सुबह एक बुजुर्ग की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद एम्बुलेंस को फोन लगाया गया। काफी देर तक जब एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो ग्रामीणों ने बुजुर्ग को खटिया पर लेटाकर कच्चे रास्ते से पैदल ही लेकर आना उचित समझा। बुजुर्ग व्यक्ति का इलाज गुना जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। विडंबना यह है कि बमोरी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, उसके बावजूद भी मुरादपुर की स्थिति बद से बदतर है। जी सर बताइए, अभी मुरादपुर गांव में हैजा की कोई शिकायत आई? उल्टी दस्त की है, हैजा नहीं है, उल्टी दस्त की शिकायत है कि 2 से 3 लोग बीमार हुए हैं, जिला चिकित्सालय में आए हैं। वो मुरादपुर स्वयं एक उप स्वास्थ्य केंद्र है,
SWC खुला हुआ है, वहाँ CHO सागर धाकड़ भी उपस्थित हैं, आशा भी है, वो भी अभी गांव में उसी जगह पर उपस्थित हैं। ये लोग सीधे लेके आए हैं जिला चिकित्सालय में, जबकि वहाँ पर CHO उपस्थित है। कार्रवाई चल रही है और आगे भी टीम पहुँच गई है और दूसरी भी टीम जा रही है, सेकेंड लेवल टीम भी जा रही है। नहीं सर, वहाँ के कुछ लोगों ने बताया गाँव वालों ने कि हमने क्या एम्बुलेंस को ही फ़ोन लगाया था, उसके बाद में एम्बुलेंस भी मौके पर नहीं पहुँची। एम्बुलेंस की डिपेंड करता है कि उस जगह की एम्बुलेंस जो लोकेशन थी वो किस जगह का, वो किसी और मरीज को छोड़ने गई थी या किसी और जगह किसी और पेशेंट के उसमें टैग में लगी हुई थी, तो ये देखवा लेंगे। क्योंकि एम्बुलेंस अगर खाली होती है तो ऐसा संभव ही नहीं है कि एम्बुलेंस नहीं जाए। अभी वहाँ पे कुछ लोग मरीज मतलब अभी पड़े हुए हैं उसमें लेकर, तीन लोग हैं वहाँ। उप स्वास्थ्य केंद्र है मुरादपुर में ऑलरेडी, और सागर धाकड़ वहाँ CHO है, उनका भी नाम बता रहा हूँ, उनके मेरे पास फोटो भी है, बात है कि वो वहीं उपस्थित है और सुबह से वहाँ। उन लोगों ने सूचना नहीं दी, सीधे लेके आए। आपका नाम? मेरा नाम भूलसिंह गुर्जर। कौन से गांव से आए? ग्राम मुरादपुर आदिवासी चक से। कौन सा थाना लगता है? थाना धन्नावदा। बताएं क्या है ये मामला, पूरा समझाएं जो आज आप लोग लेके आए मनीष को। हमारा मामला ये है साहब कि हमारे गांव के लोग बीमार हो जाते हैं तो बड़ी समस्या आती है, क्योंकि हमें 3 किलोमीटर तक कच्चे रास्ता से पक्के रोड से लगना पड़ती है। अब कल एक लेडीज हमारी बेहोश हो गई तो हम खटिया पर धर के लाए। आज सुबह ये के उल्टी दस्त भाई, उसे हम खटिया पर धर के लाए तो हमें 1 घंटा का समय रास्ता में लगता है। हमारे यहाँ एम्बुलेंस भी नहीं पहुँच पा रही, और सबसे बड़ी बात BPL लाइट नहीं है तो मच्छर खा रहे हैं, तो ये बीमारियाँ फैल रही हैं हमारे यहाँ। तो इन लोगों को क्या हुआ है? इनको सब कुछ 15 मिनट में पहले तो उल्टी भाई, फिर 2 दस्त हुए, फिर हैजा जैसी बीमारी लगी साहब। तो क्या हो रहा है, फिर बेहोश हो जाते हैं? हाँ साहब, 15-20 मिनट में बेहोशी आ गई, घाट पर धर के लाए, एम्बुलेंस बुलाई, घर तक पहुँचे नहीं साहब। फिर हमने रोड तक बुलाई, वहाँ से घर से हम खटिया पे धर के लाए, खटिया पे धर के फिर हमने अस्पताल में यहाँ आके भर्ती करी। डॉक्टर क्या बता रहे हैं, क्या हो गया? आज साहब जांच चल रही है वहाँ। और क्या क्या समस्या है आपके गांव में साहब? एक तो बिजली नहीं है तो ये मच्छर काटती है तो बीमारी फैल रही है वहाँ, और रोड नहीं है तो कोई बीमार हो जाता है रात बरात में तो उसको वहीं पड़ा रहता है, सुबह जब दिन एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। नहीं पहुंच पाती साहब, कच्चा रास्ता है, रास्ता था उसे खेत वालों ने मिला लिया। वो बरसात के टाइम में घोटू घोटू खच रहे हैं हम, खटिया पे धर के लाए। आप वीडियो देखा होगा आपने। रेलवे सामुदायिक भवन में महिलाओं के द्वारा बहुत ही आनंद के साथ मनाया गया सावन तीज का त्यौहार। रेलवे कॉलोनी के अलावा गुना शहर की महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। उसमें प्रमुख रूप से पूनम शर्मा, सुनीता कांत, श्वेता चौधरी, शीला मीणा, संचना मंजू, अनिल गुप्ता के द्वारा भजन व डांस की प्रस्तुति दी गई। जी बताएं आज के प्रोग्राम के जरा। नमस्ते, जय श्री कृष्णा, बोल झूलन सरकार की। भैया ये हमारा हरियाली तीज का प्रोग्राम है और हम लोग हर साल करते हैं बड़े धूमधाम से, और हम लोग बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, साल भर इंतजार करते हैं कि हम लोग हरियाली तीज मनाएंगे। इस बार हमारा लेट हुआ लेकिन उत्सव तो चल ही रहा है, वृंदावन में, बरसाने में, गोकुल में, सब जगह उत्सव चल रहा है, तो उसी उत्सव को हम लोग आज मना रहे हैं। और हमारी सारी बहनें देखो आप अच्छे अच्छे से सब तैयार हुए हैं, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, सब हमारा रेलवे परिवार है ये, हमारा सभी बहनें साल भर इंतजार करती हैं। कौन सी महिला मंडल द्वारा जो मनाया जाता है? ये हमारा रेलवे का क्लब है, महिला कल्याण समिति का। क्या नाम है आपका? मैं मेरा अनिला गुप्ता, आप हैं? पूनम शर्मा। गुना तहसील बमोरी ग्राम भौरा निवासी मनुबाई पति मुरारी अहिरवार की बिजली गिरने से खेत में मौत हो गई। बता दें कि दूसरे के खेत पर मजदूरी करने गई थी, इस दौरान कल शाम 4 बजे बिजली गिर गई जिससे उनकी मौत हो गई। मृतक मनुबाई को जल्द ही जिला चिकित्सालय लाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया। क्या नाम है आपका? अजय अहिरवार। कहाँ रहते हैं आप? भौरा। तहसील कौन सी है? बमोरी। बताएं क्या घटनाक्रम हुआ है? ये कुछ नहीं था, मैं कहूँ क्या है कि नींद नहीं गया था, नींद नहीं गई थी तो आते समय मतलब बिजली गई थी, पानी बरसा था बहुत तेज। कहाँ पे गई थी काम करने के लिए? खेत में। खेत में? आपके खेत में या दूसरे खेत में? दूसरे खेत।
कितने बजे घटना है? 16-9 बजे से रही थी, शाम के 5 बजे तक टाइम रहता है। अच्छा, कौन थी आपकी? क्या कौन थी आपकी? राष्ट्रीय सेवा योजना व नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक ने निकाली NFL पालिका बाजार में तिरंगा रैली, दिया हर घर तिरंगा लगाने का संदेश। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित नेहरू युवा केंद्र गुना, जिला युवा समन्वयक ज्ञानेंद्र मिश्रा के निर्देशन में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत NFL पालिका में विद्यालय के बच्चों के साथ तिरंगा रैली निकालकर लोगों को हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेने के लिए और 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने अपने घर में तिरंगा फहराने के लिए जागरूक किया गया। स्वयंसेवक प्रदीप केवट ने बताया कि आज़ादी के 75वीं वर्ष पूर्ण होने वालों में से हम यहाँ अवसर मिला है, सभी लोग तिरंगे को अब 24 घंटे फहरा सकते हैं। इसके एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाने हैं। रैली में विद्यालय के प्रधानाध्यापिका श्रीमती शोभना उटवाल, सरिता शर्मा, नीलम शाकेवार, संध्या रघुवंशी आदि उपस्थित रहे। वहीं राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने अनिकेत कलावत, बलराम भील, शुभम मीना, सत्य भावना मीना, मिथिलेश मीना, वर्षा का विशेष सहयोग रहा। उक्त कार्यक्रम की रासेओ के जिला संगठन और HC पटानी, डॉक्टर सोनू जैन, प्रोफेसर अनिल शुक्ला, प्रोफेसर संजीव कुशवाहा, संदीप मेहरा ने कार्यक्रम की सराहना की। आज पुष्टि बल विद्या निकेतन हाई स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा हर घर तिरंगा यात्रा निकालकर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म महूगढ़ा पर वृक्षारोपण किया। स्कूल स्टाफ और पंचारी योगेश लोधा और स्कूल संचालक दयाराम लोधा। जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव शिवराज सिंह भदौरिया ने बताया कि 7 अगस्त 2022 को जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय जेवलियन थ्रो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बालक एवं बालिका वर्ग के प्रतिभागी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में अंडर 20 बालक एवं बालिका, अंडर 23 बालक एवं बालिका एवं ओपन महिला व पुरुष प्रतिभागी भाग लेंगे। इन आयु वर्ग की प्रतियोगिता दिनांक 7 अगस्त 2022 को TT नगर स्टेडियम भोपाल में प्रातः 11 बजे से आयोजित की जाएगी एवं अंडर 16 बालक एवं बालिका, अंडर 18 बालक एवं बालिका की प्रतियोगिता 7 अगस्त 2022 को गुना संजय स्टेडियम खेल मैदान पर प्रातः 11 बजे से आयोजित की जाएगी। प्रतिभागी अपने साथ जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मार्कशीट, 2 फोटो एवं कोविड वैक्सीन के दोनों डोज का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। प्रतिभागी अधिक जानकारी के लिए जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव शिवराज सिंह भदौरिया उनके मोबाइल नंबर 9179787421 पर संपर्क कर सकते हैं। बताइए सर, जिला स्तरीय भाला प्रतियोगिता 7-8-2022 को प्रातः 11 बजे संजय स्टेडियम खेल मैदान पर आयोजित की जाएगी, जिसका आज सभी जो खिलाड़ी प्रैक्टिस और रजिस्ट्रेशन करवाने आए हैं वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और 7 तारीख इस प्रतियोगिता में जिले के सभी खिलाड़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, बालक बालिका सभी ग्रुप के खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। इसके बाद दिनांक 12-8-2022 को जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20 बालक एवं बालिका, चयनित प्रतिभागी दिनांक 20 एवं 21 को 58वीं राज्य स्तरीय ओपन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गुना जिले का प्रतिनिधित्व भोपाल में TT नगर स्टेडियम में करेंगे। शिवराज सिंह भदौरिया, सचिव जिला एथलेटिक्स संघ गुना। नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षकों के उत्कृष्ट विद्यालय गुना में चल रहे 5 दिवसीय इंडक्शन प्रशिक्षण के समापन के अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया ने उपस्थित होकर शिक्षकों से संवाद किया। नवनियुक्त शिक्षकों को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने शिक्षा विभाग की विभागीय संरचना, प्रचलित योजनाओं और अकादमिक तथ्यों की जानकारी अद्यतन करने की आवश्यकता पर बल दिया। शिक्षकों को मर्यादित व्यवहार करने का आह्वान करते हुए कहा कि शिक्षा की अकादमिक कार्य योजना बनाकर अपनी संस्था का विकास करें, जिससे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके, विद्यालय परिसर स्वच्छ रखे और स्वच्छता को एक मिशन के रूप में मिलकर विद्यालय परिसर और समाज के हर वर्ग तक पहुंचाए। सिसोदिया ने नव नियुक्त शिक्षकों को रचनात्मक रूप से अपनी ऊर्जा का उपयोग छात्र हित में करें।
आज सुबह मियाना रेलवे अंडर ब्रिज में ट्रक के पहिए का टूटा एक्सल टूट गया, जिसके कारण लगभग 2 से 3 घंटे तक जाम लगा रहा और गुना अशोकनगर मार्ग भी बंद रहा। हालांकि जैसे ही प्रशासन को पता चला तो पुलिस प्रशासन और जेसीबी की मदद से ट्रक को ब्रिज से निकाल लिया गया, एक साइड किया गया और जब जाकर मार्ग चालू हुआ हालांकि आपको बता दें कि 8 अगस्त को महामहिम राज्य महोदय भी इसी मार्ग से अशोकनगर जाएंगे। कभी कभी बरसात होने पर भी पानी भर जाने पर ग्रामीण जनों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। म्याना से मोहन शर्मा की रिपोर्ट। मकसूदनगढ़ में आज जमकर बारिश हुई। वहीं बारिश इतनी तेज हो रही थी कि वाहन चालकों को अपने वाहनों की लाइट दिन में ही जलाकर निकलना पड़ा। जब जाकर वाहन चालकों को आगे का रास्ता दिखाई दे रहा था। वहीं हम आपको बता दें कि बारिश होने से किसानों को भी काफी फायदा मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस वक्त किसानों की फसलों को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। मकसूदनगढ़ में नगर परिषद द्वारा आजादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत नगर में तिरंगा रैली निकाली गई। रैली मकसूदनगढ़ के गुना रोड से शुरू हुई, जो मुख्य बाजार होते हुए निकली। इस दौरान शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी सहित मकसूदनगढ़ नगरवासियों ने तिरंगा रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हॉट रोड स्थित पशु चिकित्सालय के दवाइयों के स्टोर रूम में लगी आग, लाखों की दवाएं जलकर हुई आग। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण से हादसा हुआ है। कर्मचारियों ने देखा कि स्टोर रूम से धुआं उठ रहा है, परंतु उन्हें जाकर देखा कि स्टोर रूम में आग लगी है और उन्होंने तुरंत प्रशासन को फोन लगाया। प्रशासन ने तुरंत दमकल गाड़ी को पशु चिकित्सालय पहुंचाया गया और आग पर काबू पा लिया गया। आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए गुना पुलिस प्रशासन द्वारा शहर में फ्लैग मार्च निकाला और शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने की अपील की। ये हमारा जो कृत्रिम गर्भाधान केंद्र है, उसके पीछे एक कमरा अलग से बना हुआ है, भंडार का कमरा था, उसमें दवाइयाँ वगैरह रखी हुई थी। 6:15 के करीब लगभग सूचना मिली हमारे कर्मचारी मिली, मैं तो घर पर ही था कि वो सर आग वो धुआँ निकल रहा है। तो सब लोग इकट्ठे हुए, देखा तो आग लगी हुई थी। तुरंत ही पुलिस को सूचना दी, फायर ब्रिगेड को सूचना दी और उससे उसको कंट्रोल करवाया। कितने का नुकसान होगा तकरीबन गोली दवाइयाँ? ये अभी कुछ अंदाजा लगा नहीं सकते, क्योंकि दवाइयाँ रखी हुई थी भंडार प्रभारी से। आग लगने के कारण क्या है अभी कुछ कह नहीं सकते कि आग किस वजह से लगी। तो चूँकि कमरा बंद था और अचानक ही आग शायद देखने को मिली, इन लोगों को धुआं वगैरह दिखाई दिया, तब पता चला कि आग लगी। तो कुछ कह नहीं सकते कि आग क्यों लगी। क्या नाम है सर? किस पते हैं? डॉक्टर RPS। सर कितने बजे घटना लगभग है जी? लगभग 6:15 की होना चाहिए, ऐसा कुछ अंदाजा लग रहा है। गुना विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट गुना ने नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपीगण संदीप लोधा और राम लोधा को धारा 342 भादवी में 3 माह के सश्रम कारावास की सजा, 506 भादवी में 6 माह के सश्रम कारावास की सजा, 376 भादवी 5-6 पास्को एक्ट में 20-20 वर्ष की सजा और कुल 1200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजक अधिकारी गुना द्वारा की गई। मीडिया सेल प्रभारी मयंक भारद्वाज ने बताया कि दिनांक 13/5/2019 को समय रात करीब 9:30 अभियोक्त्री अपनी मम्मी और भाभी के साथ कजारिया डांस देखने गई थी। रात के 11 बजे के लगभग पीड़ित की मम्मी और भाभी वापस घर आ गए थे, जबकि पीड़िता करीब 12 बजे अकेली ही थी, वहां से निकली थी। रास्ते में पीड़िता को आरोपी राम लोधा और संदीप लोधा मिले थे। राम लोधा ने पीड़िता का हाथ पकड़ा था और दोनों आरोपीगण उसे एक कच्चे मकान में ले गए और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। अब पीड़िता से चिल्लाने का प्रयास किया गया तो आरोपी संदीप ने उसका मुंह दबा दिया और आरोपी राम ने पीड़ित के साथ रेप किया। इसके बाद आरोपी संदीप ने ही पीड़िता के साथ गलत काम किया। जब पीड़िता वहां से जाने लगी तो दोनों आरोपीगण ने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि पीड़िता घटना के बारे में किसी को ना बताए। इस पर से पीड़िता डर गई, उसने घर लौटकर किसी को भी घटना के बारे में नहीं बताया। और पीड़िता का भाई अपने ससुराल से लौटा तो पीड़िता ने अपनी मम्मी और भाई को सारी बातें बताई और उसके बाद थाने पर घटना की सूचना के आधार पर अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया।
दौरान विवेचना पीड़िता का मेडिकल प्रशिक्षण किया गया और साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए और संपूर्ण विवेचना उपरांत उपयोग पत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायाधीश द्वारा विचारण उपरांत आरोपी गढ़ संदीप और रामलोधा को धारा 376 भादवी 5-6 पास्को एक्ट में 20-20 वर्ष की सजा और रत्नदंड से दंडित किया गया। न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया कि आरोपीगण द्वारा किए गए दुष्कर्म के कारण निश्चित रूप से पीड़िता को मानसिक अज्ञात और शारीरिक क्षति पहुंची। इस परिस्थिति में पीड़िता को समुचित प्रतिकार को राशि अदा किया जाना उचित है। पीड़िता की उम्र और उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए न्यायालय द्वारा 3,00,000 रूपए की प्रतिकर मात्रा निर्धारित की जाती है। आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए गुना पुलिस प्रशासन द्वारा शहर में फ्लैग मार्च निकाला और शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने की अपील की। अब आपके शहर गुना में असम के बागानों से चुनी हुई उम्दा चाय उपलब्ध है। मनन प्रीमियम चाय हर घूंट में असर दिखाए। थोक एवं फुटकर विक्रेता एवं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें। गुप्ता मार्केटिंग कंपनी, हनुमान कॉलोनी, मोती चिल्ड्रन स्कूल के पास, गुना, मध्य प्रदेश। गुना में कहीं भी होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। प्रोपराइटर सलोनी गुप्ता। मोबाइल नंबर है 7355156758, 6264739364।